हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ मोनिका और आज हम बनाएंगे 7 से 8 महीने के बच्चे का खाना। ये जो खाना है इसे हम सेरेलेक और फ्रूट जूस के साथ एक टाइम इसे हम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेबी फूड बनाना। सबसे पहले हमने लिया है गेहूँ, आधी कटोरी है, और ये थोड़ी सी आधी सी कटोरी धान ली है, ये घर की धान है। आप चाहे तो इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। और दूसरा हमने लिया है, रेगुलर में जो हम चावल खाते हैं ये वही है। और ये पीला चना हमने लिया है, ये थोड़ा सा है, 2 चम्मच होंगे। और ये है सोयाबीन, और सोयाबीन के साथ ही है फिर मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल। सभी चीज़ें आधी आधी कटोरी ली है, और चना दाल और सोयाबीन जो है हमने 2-2 चम्मच ली। सभी चीज़ों को अच्छे से धो देंगे और फिर इसे हम 15 से 20 मिनट जो है इसे धूप में सुखाएंगे। और जो हमें चावल की मात्रा हमें लेनी है, चावल की क्वांटिटी जो हमें चाहिए वो हमने जो है ज़्यादा रखनी है, दालों से चावल ज़्यादा होने चाहिए, तभी उसका जो है एक अच्छा मिक्सचर बनेगा। धो के हमने ये सुखाने रख दिए हैं, बस इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने देना है। और इसे हम कर लेंगे हल्का सा ड्राई रोस्ट, जो इसका पानी अच्छे से सूख जाए। गेहूँ डाल दिए हैं, गेहूँ को हल्का सा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, और इसी तरह से हमें सारी चीज़ों को भूनना है। सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, और अब इन्हें जो है हमें दरदरा पीसना है। ये चावल लिए हैं, दोनों टाइप के चावल हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका जो है दरदरा सा इसको पीसना है, इसको अच्छे से मिक्स करके। इसी तरीके से गेहूं को भी दरदरा पीस लेंगे। बनाते वाले एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जैसे चावल पे मैंने निशान लगा दिया है ताकि हमें पता रहे कि कौन से चावल है, कौन से गेहूं है। यदि आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी चीज़ें दरदरी पिसकर बिल्कुल तैयार है। अब जो है हमें इन्हें डालना है कंटेनर में। छोटी छोटी डिबियाँ ले ली है, एयर टाइट डिबियाँ हैं, और अब हमें इसे डालना है। चावल लिए हैं और इसे हमें गेहूं के साथ मिक्स करना है। इसे आप दलिया कहिए, चाहे आप इसे खीर कहिए, जो भी है, इसे हम दूध में पकाएंगे। इसे अलग डिब्बी में रख देंगे और बाकी की जो ये 3 चीज़ें हमारी बची है, चावल, मूंग दाल और पीली दाल और सोयाबीन, इसे हम अलग डिब्बी में रखेंगे। कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं और उसमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सेम डिब्बी में रख देंगे।